अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साइड में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर क्लिक करना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख पाओ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अब मैं बात करती हूँ आज के टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप तो पहले से ही गोरे हो तो हमें कैसे पता चलेगा, कोई काला इंसान लेके आइए उस पर ये ट्राई कीजिए। देखिए, कभी मैंने ऐसा आप लोगों से नहीं बोला कि मैं मतलब कोई भी आपको पैक बताती हूँ कि इस पैक को लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे, एकदम आप अंग्रेज जैसे स्किन हो जाएगी आपकी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। देखिए, सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करिए, भगवान ने कुदरत ने जो भी आपको रंग दिया है ठीक है उसको एक्सेप्ट करिए और उसके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखिए, अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेके आइए। और अगर आप ये सब कर पाते हो अपने रंग से, अपने रंग जो भी भगवान ने आपको रंग रूप दिया है उससे खुश रहोगे तो आपका जो चेहरे पर ग्लो है ना अंदर से ही निखर के आएगा, एक अलग ही निखार आपके चेहरे पर दिखाई देगा। और स्किन का गोरा या काला होना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। देखिए, भगवान ने अगर मुझे गोरा नहीं बनाया होता, मेरा कलर थोड़ा सा डार्क होता तो क्या मैं जीना छोड़ देती? तो मैं जी नहीं पाती, तो मैं भी इसी तरीके से सारे काम छोड़ कर उदास बैठी रहती कि मैं गोरी क्यों नहीं बनी, भगवान ने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया। ऐसा नहीं है, जो भी भगवान ने आपको रंग रूप दिया है उसको एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए उसके साथ। अगर आप खुश रहोगे तो आपका रंग अंदर से ही निखर के आएगा, एक अंदर से ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए कि भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया, सबसे अच्छा बनाया है बस। और आज मैं आपको एक ऐसा पैक बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में शादी है या आपकी शादी होने वाली है तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ फेस वॉश ठीक है, और इससे अगर आप आज से ही अपना चेहरा धोना शुरू करोगे तो आप देखोगे जो आपकी स्किन है आपकी स्किन में ग्लो आएगा। अब ग्लो का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे, देखिए आपकी स्किन जैसी भी है उस पर चमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चमक कब रहेगी? जब आप अपनी स्किन की ऊपर से भी केयर करोगे और अंदर से भी केयर करोगे। उसके लिए आपको अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ आज, अगर आपके घर में शादी है या फिर आपकी शादी है, और आपको जानते हो जिसकी शादी होती है उसको तो सबसे स्पेशल देखना ही पड़ता है, तो आपकी शादी है तो आज यकीन मानना इस चीज़ को और आज से ही आप करना शुरू कर देना, इससे अच्छा आपको फेस वॉश कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लेने वाली हूँ आपको अभी दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक चम्मच दही, यहाँ पे मैंने एक चम्मच दही ली है। और अगर आपके घर में दही नहीं है या फिर आपकी स्किन को दही सूट नहीं करती तो आप इसकी जगह कच्चा दूध भी ले सकते हो ठीक है, तो आपको लेना एक चम्मच। और यह मैं बता रही हूँ ये सिर्फ चेहरे के लिए नहीं है, आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो, मतलब आपके पूरे शरीर पर ये काम करेगा, अपने चेहरे पर लगा सकते हो, अपने हाथों पर लगा सकते हो, नेक पर लगा सकते हो, जो भी आपको जहाँ पर भी लगे कि मेरा ये डार्क एरिया है तो उस जगह पर आप इसे लगा सकते हो। इससे काफ़ी हद तक आपकी स्किन पर जो मैल जमा हुआ होगा, जो एक तो कालापन होता है कि गंदगी से होता है, जो हम अपनी स्किन की केयर करना छोड़ देते हैं तो गंदगी जमा हो जाती है, उससे जो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क नजर आती है, तो यह सब करने के बाद आपकी स्किन एकदम निखर जाएगी और जो गंदगी जमी हुई थी वो धीरे धीरे वो सारी गंदगी हट जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, जो मेरे लिए दही एक चम्मच, इसकी जगह आप कच्चा दूध भी ले सकते हो, और इसमें एक चम्मच ऐड करना है आपको बेसन ठीक है। और अगर आप अपने पूरी बॉडी के लिए करना चाहते हो तो उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखें, ज़्यादा रखें, मतलब मैं आपको चेहरे के लिए बता रही हूँ, तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है बेसन ठीक है। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, अब मुझे इसमें ऐड करना है ये कस्तूरी हल्दी। अब बहुत लोगों ने यह कमेंट किया है कि मैम कस्तूरी हल्दी की जगह हम कोई और हल्दी ले सकते हैं, तो देखिए प्लीज़ आप नहीं लें, अगर किचन की हल्दी यूज़ करोगे तो वो हल्दी जो हम सब्ज़ी में डालते हैं उससे आपके चेहरे पर रेडनेस आ सकती है, आपके चेहरे पर दाने निकल सकते हैं और आपका चेहरा निखरने की बजाय और ज़्यादा काला पड़ सकता है। तो आपको या कस्तूरी हल्दी लेनी है या फिर जो गांठ वाली हल्दी आती है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो उसको अच्छे से सुखा के कूट के और उसका पाउडर बना के रखें ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी क्योंकि मुझे भी यहाँ पर कहीं आसपास नहीं मिली थी, तो आप ऑनलाइन इसको मंगा के रख लें और काफ़ी दिन तक चलता है ये जो पैकेट है इसका, 100 ग्राम का पैकेट है, काफ़ी टाइम तक आपका चलेगा। और अच्छे से बस ये है कि इसको कवर करके अच्छे से रख दिया करें। और इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है मुझे हल्दी, अब हल्दी कितनी लेनी है, एक पिंच, ये देखिए ठीक है, इससे ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी आपको, एक पिंच हल्दी लेनी है। अब इन तीनों को आपको करना है अच्छे से मिक्स, और मैं कर लेती हूँ अच्छे से इसे मिक्स। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया, एक फेस पैक भी बनके तैयार हो गया और यह बनके हो गया फेस वॉश भी, अब दोनों का काम करेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए मेरे चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं है, मेरा चेहरा बस अभी मैं नहा के आई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ ठीक है। तो
अच्छे से मैंने इसे कर दिया मिक्स। अब आप जब भी नहाने जाते हो आप इसे मॉर्निंग में, मतलब आप जितनी भी बार चेहरा धोते हो ना, मैं कहूँगी आप दिन में 3 बार चेहरा धोइए और इसी से धोइए। और अगर आपकी शादी में 1 महीना भी बचा हुआ है तो 1 महीने के अंदर ही इतना अच्छे से निखार आपकी स्किन पे आएगा जो आप खुद देखोगे कि हाँ सच में मेरी स्किन पहले से काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी साफ भी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अपने चेहरे को साफ करके इसे आप 10 मिनट के लिए, पहले तो इसे लगा के आपको छोड़ना होगा, 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए इस तरीके से इसे लगा के, मतलब एक पैक की तरह, और आप इसे छोड़ दीजिए। और 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ये ड्राई होने लगेगा, ज़रा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और इसे आप इस तरीके से करते हुए, इस तरीके से मलते हुए, और आप ठंडे पानी से या फिर नॉर्मल पानी से धोएं। और गर्म पानी आपको यूज़ नहीं करना है। और गर्म पानी यूज़ क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने हल्दी डाली है, और हल्दी डालने से हम गर्म पानी यूज़ करते हैं तो जो हमारी स्किन है फिर वो काली पड़ने होती, मतलब काली पड़ने लगती है, तो इसलिए आपको गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, तो नॉर्मल पानी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैंने लगा लिया। अब इसे 10 मिनट के बाद आपको इस तरीके से करना है, ऐसे, ये देखिए ऐसे आपको मसाज करनी है, जैसे मसाज करते हैं ना, इस तरीके से आपको मसाज करनी है, और आपको नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेना है। यह आपका इतना अच्छा एक फेस वॉश का काम करेगा, एक फेस पैक का काम करेगा, और यकीन मानिए आप इसको ज़रूर ट्राई करना। लेकिन हाँ, आपको इसमें भी क्या देखना है, आपको इसमें यह देखना है, दही, हल्दी और बेसन, ये तीनों चीज़ें आपकी स्किन को सूट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तब तो इसका रिजल्ट आपके लिए रहेगा बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर नहीं करती तो प्लीज़ आप इसको ट्राई नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी स्किन पर दाने निकल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। तो 10 मिनट के बाद मैं अपने चेहरे को धो लूँगी, वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि अभी मैंने इसे लगा के छोड़ दिया, लेकिन आपको मैंने समझा दिया है कि इसको 10 मिनट के बाद तो इस तरीके से मसाज करते हुए और सिंपल पानी से आप धो लें। गर्म पानी आपको यूज़ करना है, यूज़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूँगी। बाय बाय।